जोन नंबर 13 डी जिमनी इंतखाबात रुकने असेंबली मिस्टर हमबर्डे ने अब्दुल गफ्फार को कामयाब बनाने की अपील की। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जोन नंबर 13 डी में कांग्रेसी उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार वल्द अब्दुल सत्तार की इंतखाबी मुहिम से खिताब करते हुए रुकने असेंबली मोहन राव हमबर्डे ने कहा कि नौजवान यूथ लीडर अब्दुल गफ्फार कई बरसों से यूथ कांग्रेस की मारिफत अवाम की खिदमत करते चले आए हैं, इसलिए उन्हें जिमनी इंतखाबात में पार्टी की जानिब से टिकट दिया गया है। उन्होंने राय दहिंदों से ख्वाहिश की कि अब्दुल गफ्फार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाकर रियासत वजीर मिस्टर अशोक चौहान के हाथ मजबूत करें। मेरा हर एक चलन निराला है, मैंने हर गम को खुशी में ढाला है। लोग जिन हादसों से मरते हैं उन्हीं हादसों ने मुझको पाला है। सिर्फ 17 दिन में आमदार बन चुके हैं आप। कुछ कारण है, युवा पीढ़ी में बहुत कुछ अच्छा काम कर रहा है, युवा पीढ़ी से जुड़ के रहने वाले हैं और ये सब आपने महाराष्ट्र के बांधकाम मंत्री अशोक चौहान साहब को सब मालूम है। इस वास्ते उनको सब टिकट दिया वाला है, वो सब समाज में मिलने वाले हैं, सबको पकड़ के चलते हैं और आने वाले 6 तारीख को अपने कुछ ज्यादा से ज्यादा अब्दुल गफ्फार खान को मतदान करना है। ये सब लोगों ने अपने को अब्दुल गफ्फार खान को मतदान देना है। मतदान ऐसा देना है, ज्यादा से ज्यादा मन दिए मतदान करके अगले वाले इलेक्शन को जातिवादी पक्ष को कोई उम्मीदवार नहीं मिलना चाहिए। ये मतदान में अभी यही कसरत है अपने को, जितना अब्दुल गफ्फार को मतदान देंगे, जो मतदान ज्यादा बताएंगे आने वाले 6 तारीख को, तो अगले वालों खड़े रहने को लोगों को विचार करना पड़ेगा, जातिवादी पक्ष को विचार करना पड़ेगा और वो खड़े नहीं रहेंगे। और मैं तुमको सबको विनती करता हूँ, ज्यादा नहीं क्या कांग्रेस को मतदान डालो। इतना बोल के मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ।